हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, कारपेंटर भाइयों के लिए, चाहे वो पुराने कारपेंटर भाई हो या नए कारपेंटर भाई हो, तमाम कारपेंटर भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आज दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि काम करते करते मेरा पैनल मशीन, ये जहाँ पे ये कार्बन ब्रश लगते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा आग निकाल रहा है। और मेरा पैनल मशीन जो है ये बहुत ही हीट हो रहा है, और चलते चलते इसकी स्पीड भी बहुत कम हो रही है, यानी कि कुल मिला के ये हीट हो रहा है और काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे ठीक करें, इसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है, बने रहे वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके आल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए मैं वुड वर्किंग से रिलेटेड शॉर्टकट टिप्स और इजी ट्रिक्स लाता रहता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने प्लानर मशीन में से ये आर्मेचर खोल लिया है। ये देख पा रहे होंगे आप, जब मशीन चलते चलते ये इसमें कार्बन ब्रश घिसता है, तो इसमें ये नालियां जैसी बनी होती हैं, ये जरी जैसी, तो इसमें हमारा कार्बन ब्रश का कचड़ा फंस जाता है, तो ये आर्मेचर शार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद ये आग निकालना शुरू करता है। दोस्तों इस चीज़ को अगर आप ठीक नहीं करोगे तो आपका आर्मेचर जल जाएगा और आप भारी नुकसान उठा सकते हो। तो चलिए मैं आज बताता हूँ आपको कि इसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले इसको हमने ड्रिल मशीन में एडजस्ट करना होगा कुछ इस तरह से। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है कारपेंटर भाइयों के लिए। दोस्तों आपने ले लेना है एक रेगमाल की पत्ती, जितना ब्रीक लो आप तो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने बिल्कुल ब्रीक से ब्रीक रेगमाल की पत्ती लेनी है। तो चलिए हमने इसको इसके साथ टच करते जाना है ड्रिल मशीन में लगा के, आर्मेचर को ड्रिल को ऑन करके। ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने ये थोड़ा सा लगाया तो ये हमारा कमोडेटर जो आगे रहता है जहाँ कार्बन अटैच होते हैं, तो वहाँ पे ये फिनिश होने लगा है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से अच्छे से इसकी फिनिशिंग करके दिखाऊंगा, फिर आगे बताऊंगा मैं कि इसको करना क्या है। जैसे देख पा रहे होंगे आप कि ये देखिए, मैंने इसको फिनिशिंग क्लीन करना है, आपने क्लीन किया है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। अब आपने करना क्या है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें। जब इसमें नालियों में जब हमने ये क्लीन किया, तो ये नालियां जो जरी इसमें हैं, इसमें ये कचरा हमारा फंस गया, तो हम पहले का भी फंसा था तो अब भी फंस गया। तो इसको आपने कोई नोकीली चीज़ लेके बारीक चीज़ इसमें घुसानी है, आपने इस तरह से इसको बारी बारी से सब साफ़ कर लेना है, यानी कि क्लीन करना है। इस नालियाँ जो हैं इनमें हमारा कचरा बिल्कुल बिना रहे। तो चलिए मैं फटाफट से आपको ये कचरा निकाल के दिखाता हूँ, फिर वापस प्लानर मशीन में आर्मेचर को एडजस्ट करके मैं प्लानर मशीन चला के दिखाऊंगा कि ये हमारा ट्रिक सक्सेसफुल हुआ या नहीं, हमारा आर्मेचर रिपेयर हुआ या नहीं। तो ये देख पा रहे होंगे आप कितना अच्छा नया आर्मेचर दिख रहा है, कमोडेटर इसका बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। तो कार्बन ब्रश जो हमारे हैं ये भी जल गया है एक थोड़ा सा एक साइड, तो इसको भी हम फिनिशिंग करेंगे। आपने फिर वही रेगमाल का फीस लेना है, इस पर थोड़ा हल्का हल्का इसको घिसना है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये मैंने घिस लिया है, इसको भी क्लीन कर लिया है। अगर दोनों में ये प्रॉब्लम है तो दोनों को आप घिस सकते हो। चलिए वापस से मैं प्लानर मशीन में इस आर्मेचर को एडजस्ट कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि फिर चला के इसको कि ये हमारा आर्मेचर जो है ये रिपेयर हुआ या नहीं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा किया है, 5 से 6 बार मैंने ऐसा किया है, और मुझे रिपेयर वाले के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप भी ट्राई कीजिए घर में, बहुत ही इजी फार्मूला है, इजी ट्रिक है दोस्तों, हेल्पफुल ट्रिक है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, और आप नया आर्मेचर लाने से बेहतर इसको आप खुद घर बैठे बैठे रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट से इसमें प्लानर मशीन में एडजस्ट करके दिखाता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों इसमें कार्बन ब्रश एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैंने कार्बन ब्रश इसमें एडजस्ट कर लिए, अब लगाते हैं इसमें हम बैलेट। ये हमारी बैलेट लग गई, और बैलेट कवर ऊपर से लगा देते हैं, इसको स्क्रू कर लेते हैं हम टाइट। आप वीडियो में बने रहें, अभी मैं दिखाने वाला हूं कि ये आर्मेचर रिपेयर हुआ या नहीं। तो चलिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजीली हमने अपने आर्मेचर को रिपेयर कर लिया है। ये जो थोड़ा बहुत हल्का इसमें करंट जैसा दिख रहा है, ये नॉर्मली हर मशीन में होती है।
दोस्तों अगर किसी का फायदा इस वीडियो से हुआ हो तो लाइक कमेंट शेयर किए बगैर जाइएगा मत और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एंगल ग्राइंडर की अटैचमेंट कैसे बनाएं, कटर मशीन का काम एंगल ग्राइंडर से कैसे लें, ये लिंक लगा होगा इस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें और नीचे प्ले लिस्ट लगी होगी इस पर मेरी बाकी पुरानी वीडियोज मिल जाएंगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा।